हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज हम कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बाद के टॉपिक्स को। अभी तक की हमने वीडियोस में इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझ लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने इन दोनों चीजों को नहीं समझा तो इससे पहले वाले वीडियोज को जरूर देखिए, ताकि ये वीडियो आपको और भी आसानी से समझ में आए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और उसकी डेफिनेशन बताई थी। इसके अलावा उसमें और कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं की गई थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अभी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, पहले हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस is represented by V। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल V लेटर से। आगे बात करते हैं, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। मैंने कल आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। यही डेफिनेशन थी और ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, समझनी है। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है कैसे ये डेफिनेशन बनाई गई है। तो अगर ये डेफिनेशन आप जानते हैं तो आप ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन के इक्वल ही होता है, लेकिन चार्ज कितना होना चाहिए? यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब जब चार्ज की वैल्यू कितनी हो? वन हो। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। मान लीजिए दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को लेके जाने के लिए 100 जूल वर्क किया गया और चार्ज कितना लेकर जाया गया? 10 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ? 100 जूल हुआ, लेकिन कितना चार्ज लेके जाया गया? 10 कूलम। हमें कितना लेके जाना है? सिर्फ 1 कूलम चार्ज, 1 यूनिट चार्ज। तो इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया गया, आंसर कितना आ गया? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का मतलब यह है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में 10 वोल्ट है, इसका मतलब है कि वर्क डन किया गया है 10 जूल एक यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज को लेकर जाने के लिए। तो यहीं से फॉर्मूला बना है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ गए होंगे आप। तो W यहां पर क्या है? वर्क डन है। तो W इज इक्वल टू वर्क डन, और Q क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा। देखिए जितनी भी हम चीजें करेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर, उन सबको 1 भी बनाना है। 1 कब होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 कब होगा? सीधी सी बात यह है, वर्क को भी 1 जूल कर दीजिए, क्यू को भी 1 कर दीजिए, अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ठीक है, मान लेते हैं W जो है 1 जूल लगा, वर्क कितना किया गया? 1 जूल, और चार्ज कितना फ्लो करवाया गया? 1 कूलम। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? W की वैल्यू मैंने यहां पे भरी कितनी? 1 जूल, और Q की वैल्यू कितनी भरी? 1 कूलम।
तो आंसर कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। चलिए अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज। तो 1 वोल्ट क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर जब 1 जूल वर्क किया जाएगा 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए। तो यहां यूनिट की जगह आप 1 कूलम भी लिख सकते हैं, वैसे 1 कूलम लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, मेरे हिसाब से आप यूनिट की जगह 1 कूलम ही लिखिए। तो ये हो गया 1 वोल्ट की डेफिनेशन। डेफिनेशन आप आसानी से इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले लिख लिए हैं, V = W/Q, और फर्स्ट वाली वीडियो में I = Q/T और Q = NE। तो इन 3 फॉर्मूले के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इससे बाद वाली वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 4 में। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा काफी कुछ कवर हो चुका है, अब बात की जाएगी कि इनको मेजर कैसे किया जाए। हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ दिया है, हमने इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ दिया है, अब बात यह करनी है कि इनको मेजर किस तरह से किया जाएगा, इनको किस तरह से हम नापेंगे। तो बात कर लेते हैं मेजरमेंट की, पहले करंट की बात करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर। तो अगर करंट की जो अमाउंट है वो बहुत कम है तो उसको मिली एम्पियर में नापा जाएगा। मिली को कैसे लिखेंगे, मिली का मतलब एम, एम्पियर का मतलब ए, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को हम ऐसे लिखते हैं, ये है माइक्रो का सिंबल, यू बनाना है आपने और यू के साइड में ऐसे दो डंडियां निकाल देगी, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इनके सिंबल्स के बारे में आपको जब क्वेश्चन करने होंगे तब आपके ये काम आएगा। सेम ऐसे ही जब हम पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे, अगर बहुत स्मॉल होगा तो मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट, वैसे इतना स्मॉल से हमारा काम बनता नहीं है, करंट कम होता है वोल्टेज ज्यादा ही लगती है। चलिए आगे बात करते हैं इसको मेजर कैसे किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे नापा जाएगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम क्या है, एमीटर है। इसको सीधी सी याद रखेंगे, मीटर का मतलब नापना, एम मतलब एम्पियर, करंट को किसमें नापते हैं, एम्पियर में, तो जो एम्पियर को नापेगा वो एम्पियर मीटर हो गया। तो बात सिंपल सी है, कभी आप भूलेंगे नहीं कि करंट को एमीटर से नापते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की।
नहीं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, लेकिन ये भी देख लेते हैं इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में टू मेजर द करंट। तो एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब एक के बाद एक, यहां ए को लगा दिया उसके बाद बी को लगा दिया उसके बाद सी को लगा दिया उसके बाद डी को लगा दिया, ये क्या चल रही है? ये सीरीज चल रही है, इसको बोलते हैं हम सीरीज। तो बात यह है कि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा वो भी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक और बात कि वोल्ट मीटर को कैसे यूज किया जाएगा और वोल्ट मीटर क्या होता है, तो बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर किया जाएगा, बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। समझ गए होंगे आप कि इसका नाम वोल्ट मीटर क्यों रखा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर किया जाएगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में नापते हैं, तो वोल्ट को जो नापेगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो अब आप इसके नाम को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं इसकी कनेक्शन की। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, सीरीज में, सीरीज का मतलब एक के बाद एक होता है, वोल्ट मीटर का मतलब है पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, जैसे ये लाइन है ना ऐसे पैरेलल, यानी कि जैसे ये है वैसे ही इसके ऊपर लगा दिया जाएगा वोल्ट मीटर। तो जैसे मान लीजिए हमारे कंडक्टर है ए बी, इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो क्या करेंगे वोल्ट मीटर को जो है, ये मान लीजिए क्या है हमारा वोल्ट मीटर है, तो इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा ए और बी के साथ पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये है तो जस्ट इसके ऊपर, और सीरीज का मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारे डिवाइस चल रहे हैं तो एम मीटर कहां पे लगाया जाएगा, सीरीज में लगाया जाएगा इस तरीके से। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाना है आपने। पैरेलल का मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापना है उसके जस्ट ऊपर, या इसको आप नीचे भी लगा सकते हैं एग्जैक्टली ऐसे वायर निकाल के, लेकिन एम मीटर को क्या करना है, साथ में ही लगाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे कंडक्टर में तो करंट बनेगा, इतना आपको पता ही है। फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया। तो मान लीजिए, क्या मानना है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी करंट के बारे में बात की जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि पानी चल रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, क्या चल रहा है, वॉटर फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं पानी फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर, हमें ये नापना है कि भाई कितना पानी फ्लो हो रहा है। अगर ये पता लग जाएगा तो
वोटर करंट पता लग जाएगा, ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो मतलब क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। तो अगर मुझे नापना है तो क्या करूंगा, मैं यहां पे कोई चीज लगाऊंगा ना यहां इसके साथ ऐसे, ताकि पाइप से पानी आगे चलता भी रहे और यहां से मैं क्या करूं नाप भी लूं। तो सेम बात यही है, देखिए वायर में करंट चल रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, मुझे ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं ताकि मैं इलेक्ट्रिक करंट नाप सकूं। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वायर्स के बीच में एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, यानी कि सीरीज में, सीरीज का मतलब साथ साथ ही चल रहा है सब कुछ, एक के बाद एक लगा दिया मैंने इनको, तो ये सीरीज में लगा दिया। और ये क्या है, ये है एमीटर, इसको मैं पैरेलल में नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता वो बात कर लेते हैं। मान लेते हैं मुझे ये इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इनको नापना है, अगर मैं क्या करता हूं पैरेलल में लगाता हूं, ये है पैरेलल कनेक्शन, ये मेरा एमीटर लग गया, ये क्या लगा दिया मैंने एमीटर लगा दिया। अब आप खुद ही सोचिए, जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं यहां से दो चार ही जाएंगे और दो चार यहां से भी यहां पहुंच जाएंगे, तो ये सिर्फ उतने को नापेगा जितने इलेक्ट्रॉन यहां अंदर एंटर करेंगे, तो कितने एंटर कर रहे हैं, बहुत कम एंटर कर रहे हैं ना, तो सिर्फ वो उतने को नापेगा, पूरे को तो नाप ही नहीं पाएगा क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से निकल जाएंगे। इसीलिए जब भी करंट को नापना है तो एमीटर को कहां लगाना है, इसके जस्ट सीरीज में लगाना है। आ गई बात समझ में आपको। उसके बाद बात करते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है। मान लेते हैं ये कंडक्टर में करंट चल रहा है, करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ठीक है, हमें नापना है दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये नापना है। तो डिफरेंस कैसे नापेंगे भाई, एक वायर यहां लगाएंगे वोल्ट मीटर की, ये क्या है वोल्ट मीटर, वी एम मतलब वोल्ट मीटर, और एक यहां लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट चलता है, चाहे वो वोल्टर का करंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स का करंट हो, सभी पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। तो कल वाली वीडियो को देखने के बाद इस चीज को समझिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं आप पानी चल रहा है, तो यहां का लेवल और यहां का लेवल सेम है तो पानी चलेगा ही नहीं, ऐसे ही खड़ा रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापेंगे हम, इस वाले साइड का और इस वाले साइड का, दोनों का लेवल बराबर है तो वोल्टमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, जीरो शो करेगा। अगर इसी पाइप को हम थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं ऐसे करने वाले, और इसमें क्या चल रहा है पानी चल रहा है, मान लेते हैं ऐसे ये पानी चल रहा है, तो मैंने आपको कल बताया था पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही ये चल रहा है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ना होता, ये डिफरेंस जीरो है ना यहां पे, यहां पे और यहां पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल कितना है, बराबर है। अगर यहां का पोटेंशियल मान लेते 10 वोल्ट है, यहां का भी 10 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। इसीलिए जब डिफरेंस नहीं तो कोई चलेगा ही नहीं। यहां आप देख सकते हैं यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, मान लेते हैं पानी रखा हुआ है यहां पे, तो सारा पानी इधर को बह जाएगा। क्यों बह जाएगा, क्योंकि ए और बी जो हमारे पॉइंट है उनके बीच का जो पोटेंशियल है ना, उनके बीच में अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जीरो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ है। वो कैसे नापेंगे हम, ए और बी के बीच में नापना पड़ेगा हमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर ऐसे लगाना है, यानी कि कैसे लगाया हमने, जो हमारा डिवाइस है उसके पैरेलल में, ये डिवाइस था हमारा जिसका पॉइंट ए पॉइंट बी, और वोल्ट मीटर कैसे लगाना है हमेशा इसके पैरेलल में, ये होता है पैरेलल, जैसे ये जा रहा है वैसे इसको कनेक्शन कर दिया। अगर आप इसको सीरीज में लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी आ ही नहीं पाएगा, कैसे नहीं आ पाएगा। मान लेते हैं एक और हमारे पास पाइप है, ये चल रहा है पानी, इसमें मुझे नापना है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं वोल्ट मीटर यहां लगा दूंगा तो वोल्ट मीटर यहां का पोटेंशियल सारे तो उसको सेम लगेंगे ना। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, तो ए पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका पोटेंशियल तो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना शो करेगा, हमेशा जीरो शो करेगा। क्यों, मैंने कनेक्शन ही गलत किए हैं। कनेक्शन कैसे करने चाहिए थे मुझे,
एक यहां और एक यहां, यानी कि वोल्ट मीटर को ऐसे लगाना चाहिए था ताकि इस पॉइंट पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में जो ये अंतर दिख रहा है, हाइट का अंतर मान लेते हैं, हाइट पोटेंशियल को भी दर्शाती है। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर एक यहां वायर लगानी है हमें और एक वायर यहां लगानी है। तो ये थी पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर और एमीटर के कनेक्शन की। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच और सिंबल्स की। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।